इस मज में जगर को बंदा गूंगा बैठे ओदी मजबूरी है ना बोले जड़ा बोल सकता सज्जा हाथ करके सुभान अल्लाह बोले जिन्हों गल दी समझ आ रही है जुमला रिपीट कर रहे हैं आवा हाथ जोड़ इमाम ने अर्ज की प्यारा हुसैन जीशान चलिया तेरी मोहरे नबुवते ते पैन वाला पढ़न कुरान चलिया आवे जैनब सकीना ते शहर बानो नाले अकबर अब्बास जवान चलिया असा फेर मुसा फराना नहीं दीन तू होन कुर्बान चलिया अल्लाह ताला दी हमदो सना तू बाद अल्लाह तदाल बेहदो बेहिसाब दुरूद हुजूर सरवरे अंबिया शाहे हर दो सरा वालिये कुल जहां सैयदो सरवरा मैयरे ताबा हामी बेकसां अहमद मुजतबा जनाब हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दी बारगाह दे अंदर हदीए दुरूद व सलातु सलाम दा नजराना पेश करने तो बाद अज दी खूबसूरत रूहानी वजदानी ईमानी लासानी अजीम शान 15वीं सालाना सैयद शुहदा इमाम करबला राकिबे दोशे मुस्तफ़ा हजरत सैयदना इमाम हुसैन लजपाल बादशाह सरकार दी बारगाह के अंदर खराज अकीदत पेश करने वास्ते अजीम शान 15वीं शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस जो कि मौजा खुखरा के अंदर इनेकाद पजीरे जिस दे अंदर मैं और तुसी हाजर हाँ मुबारकबाद दे मुस्तहिक तमाम अहलियान खोखरा जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी बड़ा अजीम शान बड़ा रूहानी वजदानी ईमानी लसानी अजीम शान प्रोग्राम नू सजा के बंदाए गुनहगार नू मदऊ फरमाया मैं आपकी जियारत वास्ते जिक्र मौला हुसैन वास्ते आपकी बारगाह विच हाजर हाँ अल्लाह करीम दी बारगाह दे विच दुआ करने आ मेरा मालिक खालिक राज़िक अलीम बिज़ात सुदूर मौला साडी सब दी मुअद्दबाना आजज़ाना मस्कीनाना हकीराना हाजरी नू अपनी बुलंद बारगाह दे अंदर कबूल फरमा के साडे सब वास्ते बख्शिश दा सामान बनाए ग्रामीण कदर अहबाब माहे मुहर्रमुल हराम शरीफ दी अज 10 तारीख है अज का दिन तारीख इस्लाम के अंदर बड़े ही सुनहरी हरूफा के नाम लिखा हुआ है अज का दिन किसी मुफक्किर या किसी मुहद्दिस का मोहताज नहीं कि कोई मौलाना कोई मुफक्किर कोई मुहद्दिस अज के दिन का तारुफ करवावे तो मुसलमानों को पता लगना है नहीं जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया वो इस बात तो बखूबी वाकिफ ने कि 10 मुहर्रम अल हराम शरीफ नू की होया सी और की माहौल बने
और साडे कोल जड़ा दीन कामिल और अकमल पहुंचाए इस दे पीछे दस मुहर्रमुल हराम दा बड़ा अहम किरदार है। ग्रामी कदरावा मेरे पाक नबी अलैहि सलातु सलाम दे गुलामो, लजपाल नबी अलैहि सलातु सलाम दे गुलामो, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। खालिक कायनात ने फरमाया, महबूब फरमा दीजिए, मैं कलमा पढ़ांगा थोड़े तो कोई सिला नहीं मंगता, बस मेरी अहले बैत नाल प्यार करया जे। असी अलहम्दुलिल्लाह सुम्मा अलहम्दुलिल्लाह खुशबख्त और खुश नसीबा कि जो हुजूर दी आल दी मोहब्बत च बैठे हाँ, क्योंकि दुआ कर रहे हैं कि मेरा मालिक सानू जिंदा भी रखे तो हुजूर दी आल दी मोहब्बत, अगर मौत भी आए तो हुजूर दी आल दी मोहब्बत दे विच मौत आए। क्योंकि इमाम अलंबिया ने फरमाया, लजपाल नबी तो फरमाने अली शाने व मात आला हुब्बे आल मुहम्मद मात शहीदा, जड़ा हुजूर दी आल दे नाल प्यार करदा जिंदा रहेगा और इससे प्यार च उसनू मौत आएगी। नबियां दे सुल्तान ने फरमाया, फिर आम मौत नहीं मरेगा, शहादत दी मौत मरेगा। कि अच्छा की कम कीता जड़ा शहादत दा रुतबा मिल गया है, बस इस अपने सीने दे अंदर अहले बैत दी मुहब्बत नू समाया है, जिंदगी विच अहले बैत नाल प्यार कीता है, उहदे सिले दे अंदर मेरे मालक ने शहादत दा मुकाम अता फरमा देना है। ग्रामी कदर आबाद मेरे पाक नबी अलैहि सलातु सलाम दे गुलाम अहले बैत अतहार दे नाल प्यार, अहले सुन्नत व जमात दी जान है, अहले सुन्नत व जमात दा एक खास है कि ये हुजूर दी आल नू भी मनदे ने, हुजूर दे असहाब नू भी मनदे ने। मेरे पाक नबी अलैहि सलातु सलाम दे गुलामों बड़ी तवज्जो चाहना और खुशबख्त और खुश नसीबा कि अहले सुन्नत व जमात ने जिस मौला हुसैन नू मने है, अहल सुन्नत व जमात का हुसैन जिंदगी के अंदर पूरी जिंदगी के अंदर मौला हुसैन अहल सुन्नत को गरीब नजर नहीं आया। अहल सुन्नत ने जदों भी मौला हुसैन को देखा है, मौला हुसैन को पढ़िया है, जिंदगी के जिस पहलू को भी पढ़िया है, मौला हुसैन जिंदगी के हर पहलू के बादशाह ही नजर आया है। किसी भी जिंदगी के पहलू के अंदर मौला हुसैन गरीब नजर नहीं आया। बरादर नजीर तरह मसादी जी गल करा, सैयद का माना ही सरदार होता है, तो सरदार कभी गरीब हो सकता? सरदार कभी गरीब हो सकता? उची बोलो, सरदार कभी गरीब हो सकता? नहीं। जिन्ना ने मौला हुसैन नू गरीब मनिए या लोगों के सामने गरीब पेश कर दे रहे। मैं सिर्फ छोटी जी अर्ज करना चाहना कि मौला हुसैन नू किस अंदाज नाल गरीब पेश किया जाता है, किस लहजे पे जाके, किस मुकाम पे जाके मौला हुसैन नू आवाम के सामने गरीब पेश किया जाता है। इलाके का सरदार होवे, इलाके का MNA होवे, 100 मुरब्बे का बंदा मालिक होवे, ते अगर ओदे उत्ते कोई मुश्किल घड़ी आ जाए, कोई अल्लाह का इम्तिहान आ जाए, कोई मुश्किल वक्त आ जाए, ते इलाके का कोई बंदा आखे कि फला चौधरी बेचारा गरीब मिस्कीन फंस गया, उस इलाके दे सरदार का चमचा बैठा होवे, उसने बंदे दे मुंह ते देनी है, कहना बंदे दा पुत्र बन, जिस चौधरी नु तू गरीब करके लोगों के सामने पेश कर रही है, ओयो 100 रुपए दा मालिक है, अपने इलाके दा सरदार है। मैं क्या चलिया, जे इलाके दा सरदार होवे, 100 रुपए दा मालिक होवे, ओदे नाम दे नाल लफ्ज़े गरीब नहीं जचदा, ते जेड़ा हुसैन है ओ गरीब नहीं, हुसैन से एडा सरदार है जेड़ा पूरी कायनात दा बादशाह है। साडा हुसैन गरीब कुछ बोलना, साडा हुसैन गरीब नहीं, अगर फिर भी गल दी समझ ना आए, साडे मुआशरे दा रिवाज है, सतवीं पीढ़ी पीछे बंदा, सात पुश्ता पीछे बंदा इलाके दा चौधरी ते सरदार होवे, ते ओदी सरदारी दी दा रंग जड़े सात पुश्ता बाद तक नजर आउंदा रहंदा है कि भई ये सरदार है, ये भी सरदार दा पोतरा या परपोतरा है। मैं कह चलिया, जिस हुसैन नु कौम दे सामने गरीब करके पेश कर रहे हैं, ओदी तारीफ पर के वेख
नाना कोल नबिया दा सरदार है, बाबा कोल बलिया दा सरदार है, मां जन्नत दिया औरता दी सरदार है, वड्डा भाई ते खुद जन्नत दे जवाना दा सरदार। कदी सरदार भी गरीब होए ने, उची बोलना उची बोलना, कदी सरदार गरीब होए, अगर फिर भी सरदार है ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕਿਸੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕਿ ਸੈਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਸੈਦ ਮਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਅਸਾਂ ਪੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਸ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਾਤ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਨਾ, ਆ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਾਂ। तमाम शहादतों नु पढ़न तो बाद मौला हुसैन नु पढ़या कि आप दे वजूदियत हर दे उत्ते 72 जख्म तीरां तलवारां नेज़ियां दे ने, वजूदियत हर जख्मी है, जख्मां नाल चूर चूर है, फिर भी सर सजदे विच रखे है, शर्म शिमर मार कीता है, सर तन तू जुदा कर छड्या है, फिर शिमर ने ऐसे सर अनवर नु नेज़े दी नोक ते उठाया ते इंज चाया है ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਆ ਸਿਰ, ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਨਾਮ ਕੌਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਖਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਯਾ ਹੁਸੈਨ, ਆਪ ਭਾਰਤ ਮੇ ਆਤੇ ਤੋ ਪਰਦੇ ਮੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਤੇ, ਚੂਚਾ ਅਪਨੀ ਹਾਸ਼ਮ ਕੇ ਭੋਖੇ ਸੇ ਮਾਰੇ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੀ ਚੌਖਟ ਪੇ माथे टिकते, यहाँ के देश के वासियों के तो भगवान पुकारे जाते, देश के वासियों के सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। तवज्जो, हर रोज तेरी चौखट के माथे दिखते, गल बड़ी वड्डी कर रही है। अहले सुन्नत दा अकीदा नहीं, असी सजदा मौला हुसैन नु नहीं करदे, असी सजदा हुसैन पाक दे नाने नु ही नहीं करदे, असी सजदा उस बेनियाज वहदहू ला शरीक नु करने आ। तवज्जो करी, लेकिन ओ हिंदुआं दी बीबी नु सराया तां गया वे, ओ हिंदू हो के साडे बादशाह दी बारगाह सलामी पेश कर रही है, ओदी गल नु ता बयान कीता गया है। अगली गल कहदी है कि यहां के देश के वासियों के तुम भगवान पुकारे जाते, भगवान दा मतलब है उनां दे मजहब दे एतबार नाल खुदा। असी मौला हुसैन नु खुदा नहीं मनदे, असी मौला हुसैन नु हुसैन मनने आ। ओदी वजह है वे कि पूरी कायनात अंदर साडे हुसैन वरगा हुसैन कोई नहीं, हुसैन वर्गा असी हुसैन नु हुसैन मनने आ। तो आओ जेड़ा साडा हुसैन है, आ बरादरां ने सी तरह अगर हुसैन पुछ रही या सुन नहीं किसे मरासी को हुसैन ना सुन, क्योंकि उन्हों ते आपनों नहीं पता कि हुसैन दा सादा मुकाम ते शान की है। अगर मौला हुसैन दी शान सुननी है ते मौला हुसैन दी अपनी आल ते औलाद ते अपने बच्चियां को लो सुन। आ मैं तेनू सियालकोट दी इस बात पर जमीन तू उठावा ते आ मैं तेनू अजमेर शरीफ ला जावा, ख्वाजा ख्वाजगान शाह चिश्तियां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, मेरे मौला हुसैन दा पुत्र है, ओदे कोलों पुछणे आ कि थाडे बाबा हुसैन दी शान की है, कि आपने मौला हुसैन बयान की ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਤੂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅਸਤੂ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਅਸਤੂ
حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد دست درے دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین سادے حسین غریب نہیں سادے حسین مسکین نہیں سادے حسین تک پیدا ہوئے تو میرے نبی پاک دی بارگاہ جبریل امین نے بشارت دے دیتی سی کہ سونیا تیرا نواسا شہید ہوئے گا اے تے گلہ پہلے ہی موجود سن کربلا دی مٹی بھی حضور دی بارگاہ پہنچ چکی سی حسین پاک مجبور نہیں سادے حسین پاک ہر دور دے اندر وقت دا بادشاہ رہا ہے اچھا پورے کربلا دی تاریخ پڑھ کے دیکھو اے تمام میں حجت واسطے مولا حسین نے پانی منگے اے تمام میں حجت واسطے ورنہ جدو سات محرم الحرام میں پانی بند ہویا نا تے اللہ دی مخلوقات دے وچوں کئی مخلوق آئیاں نے مولا حسین دی بارگاہ چرد کر دیا نے کہ بادشاہ تہاڈے تے پانی بند ہے جے اجازت دیو تے نہر فرات دا رخ تہاڈے خیمے ال موڑ دیں انہاں دنوں دے وچ جنہاں دا سردار جن آیا نام ہے ظفر کہندا حسین تیرے خاندان تے پانی بند ہو چکے ہیں تے تیرے بچیاں دی پیاس میرے کولوں برداشت نہیں ہو رہی اگر اجازت دیو تے میں نہر فرات دا رخ تہاڈے خیمے ال موڑ دیواں تے میرے امام نے فرمایا ایڈا دعویٰ کرن والیا نہر فرات موڑن والیا ذرا دس کھا تیرا نام کی ہے کہندا قبلہ میرا نام ظفر ہے میں جنہاں دا سردار ہاں تے مولا حسین فرما دے تو جتنا دا سردار ہو کے ایڈا مار کردا پے کہ میں نہر فرات دا رخ موڑ دینا وا تے ذرا اکھ پٹنا میرے چہرے دو ویکھ تے پہچان تو جتنا دا سردار ہو کے ایڈا مار کر رہے مینوں نو سی آتا میں کون ہاں میری نہیں پہچان ہوئی تینوں میں حسین ابن علی ہاں گل پانی بھی نہیں گل نانے دے دین دیئے اگر مقصد پانی ہوندا مولا حسین دا کہ میں پانی پینے اگر مقصود پانی ہوندا کہ میں پانی پینے تو مولا حسین فرما دے میں اس نانے دا نواسا ماں جدے نانے نے عرب دے ریگستان اچھ اٹیاں رگڑیاں تے زم زم جاری ہو گئے گل پانی دی نہیں اللہ نے مینوں بڑیاں شاناں تے بڑیاں طاقتاں نال نوازے لیکن اج طاقت نہیں بخانی اج صبر آزمانا ہے گل پانی دی نہیں گل نانے دے دین دی آو برادران دی زیتا میرے امام فرما دے نہیں اے ظفر گل پانی دی نہیں گل نانے دے دین دی اکو شرط ہے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے جو حسین دی پاویں پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے برادران جی احترام ساتویں پانی بند اٹھویں بند نویں بند یزیدیاں دی طرف پیغام آیا وے حسین یا یزید دی بیعت کر لے یا لڑن واسطے تیار ہو جا میرے بادشاہ حسین فرماندے نے اوے یزیدی کتیا اج رات محرم الحرام دی دسویں دی ہے دن دس نامی دا گزر رہے آوے اگر ایک رات دی مہلت مل جائے آخری رات اللہ دی عبادت کر لما میں اپنے مالک خالق نو راضی کر لما ایک رات دی مہلت دے دیتی جاوے صبح دن دسویں محرم دا ہوئے گا تھوڑا سادہ آمنا سامنا ہو جائے گا یزیدی قاصد واپس جانا وے امر صادر ہو جا کے پیغام دین دے کہ حسین ایک رات دی مہلت مگدا وے کچھ لوگ کہندے نے نہیں مہلت دینی چاہیے عبید اللہ ابن زیاد ورگے کہندے نے اگر ایک رات دی مہلت دے دیتی جاوے تو کوئی حرج نہیں فائدہ سادہ ہی انہاں کہیا او کیویں فائدہ وے کہندا ہے کہ ست تو پانی بند اتنے دن
گزر گئے نے خاندان سادات نے پانی نہیں پیتا انہاں دے جسم دے اندر نکاح تو کمزوری آ گئی ہے اگر ایک رات دا اور ٹائم دے دیتا جاوے ایک رات دی پیاس بھی ود جانی ہے ایک رات دی کمزوری بھی ود جانی ہے صبح حسین دا آمنا سامنا کرنا آسان ہو جائے گا رات گزری ہے جدو رات آئی ہے میرا امام نے اشاری نماز پڑھائی ہے آپ نے فرمایا تمام خیمے والے انہوں کٹھیاں کیتا جاوے مولا عباس تمام خیمے والے انہوں بلا کے لے ہوں دنے آپ جدو سارے کٹھے ہو جاندے نے میرا امام فرما دنے عباس جی بادشاہ حسین آپ فرما دنے چراغ بند کر دیتا جاوے مولا عباس چراغ بند کر دے دنے میرا امام ایمان افروز خطبہ ارشاد فرما دنے آپ فرما دنے میرے نانے دے غلام ہو میرے باپ بیدے مریدو میرے خادمو تُسا مدینہ منورہ تُو لے کے مکہ تک مکہ پاک تُو لے کے کربلا تک تُسا میرا بڑا ساتھ دیتا بے میں آؤ گرامی قدر حبا میرے امام فرمان دے نے یزید بھی بغاوت کی جزا یزید بھی حکومت نہیں مننی تے میں نہیں مننی یزید خون میرے دے پیاسا ہے تو آدھے دیتا نہیں آگرامی قدر حبا میرے امام فرمان دے نے اے میرے غلامو میں نہیں چاندا میری وجہ دے نال تھوڑیاں بیویاں بیوائے ہو جاؤں میں نہیں چاندا میری وجہ دے نال تھوڑے بچے یتیم ہو جاؤں میں بسد خوشی اجازت دینا جدا دل کردہ چلا جاوے کچھ دیر چراغ بند رہی آوے کچھ دیر تو بعد میرے امام فرما دے نے اے عباس چراغ جلایا جاوے او گرامی قدر احباب ایتھے بڑا لطیف نکتہ وے مولا حسین نے مولا عباس نے کیوں فرمایا وے عباس چراغ جلا دیتا جائے چونکہ بادشاہ حسین جان دے نے اگر سارے بھی چلے گئے میرا عباس نہیں جائے گا عباس حسین دے قدمہ تو قربان ہون والا باوفا عباس میرے امام فرما دے نے عباس چراغ جلایا جائے جدو چراغ جلایا وے جانا تے دور دی گلے کوئی بھی اپنی جگہ تو ہلیا تک نہیں میرے امام فرما دے نے تسی گئے نہیں میرے پاک نبی دا صحابی ہے نام حبیب ابن مظاہر ہے مولا حسین دا نوکر ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے آپ ہاتھ بن کے عرض کر دینے بادشاہ حسین تسی سانو واپس جان دا حکم دین دے یو اصد تھوڑے نانے بابے دے کلو ایک کوئی درس سکھیا وے آپ فرمان دنے اے بابا حبیب تسا میرے نانا بابے جان دے کلو کی سبق سکھیا وے عرض کر دینے اصد تے اے ہی سبق سکھیا جیم جس درخت دا پھل کھائے جاوے تیوں نو کٹیے نا جتنو یار کئیے اندے نال رہیے لوکی دین تانے پیشا ہٹیے نا تیجے کر یار دے نام دا ملے میرے پاک نبی دا صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر عرض کر دینے بادشاہ حسین اسی واپس جان واسطے نہیں آئے آپ دے قدمہ تو قربان ہونا ہے اپنی غلامیت قبول فرما لگو او برادرانے سی یہ طرح میرے امام نے فرمایا اگر جانا نہیں پھر جاؤ اپنے خیمیاں میں چلے جاؤ آخری رات اپنے مالک نو راضی کر لئیے اپنے بے نیاز اس وحدہ لا شریک رب نو راضی کر لئیے میرے امام تمام خیمے والیاں دی خریت معلوم کر دینے آخر کار میرے امام سیدہ سانی زہرہ اپنی ہمشیر جناب سیدہ زینب پاگ دے خیمے دیوٹے چاندے نے پین گود وچھا کے بیٹھی ہے کہہ دیئے ویرا تیری پین
मदीना पाक तू लैके मक्का पाक तक, मक्का पाक तू लैके करबला तक, अपने वीर दे सर दा इंतजार पे कर दी है। केड़ा वेला आएगा वीर भैन दी गोद च सर रख के आराम करेगा। मेरे इमाम शानी दार जनाब सैयदा जैनब पाक दी गोद विच सर रखदे ने, सर रखदे ने, भैन वीर नाल प्यार कर दी है। कदी अपने वीर दी पिशानी तू बोसे देंदी है सैयदा सानी दारा, कदी अपने वीर दे रुखसार चुमदियां ने, कदी अपने वीर दे हाथ उठा के अखा नाल लांदे ने चुम के अज अपने रुखसार ते लांदियां ने, कदी अपने वीर दे हाथ पड़ के बोसे दे के सीने नाल लांदियां ने। और गरामी कदर हवा कदी सानी जहरा पाक इमाम पाक दे जुल्फां नूं बोसे देंदियां ने, जुल्फां नूं बोसे दे के रात गुजर रही है। सैयदा दी इस बात तू वाकफ है, सुबह दिन दसवीं मुहर्रम दा आ जाना में, मेरे वीर मेरे तू जुदा हो जाना है। राव गरामी कदर हवा सैयदा सानिया ज़हरा पाक आप अपने वीर दी चेहरे दी ज़ियारत कर दिया ने, नाले कह दिया ने शाला रात मुहर्रम वाली अतशैबरियां दी होवे, ना रात मुके ना दिन चढ़े मेरा वीर जुदा ना होवे। रात गुजरी है सैयदा दियां दी दसनावी ते दसवीं दी दरमियानी शब है, रात गुजरी है करबला दे अंदर सैयदा दियां दी किंज गुजरी है, उस सैयदा सकीना दी किवें रात गुजरी है। जड़ी ये बात जान दी है सुबह दिन दसवीं मुहर्रम दा आ जाना है, मेरे वीर अली अकबर जुदा हो जाना है, चाचू अब्बास ने मेरे तू जुदा हो जाने, और मेरे वीर कासम ने जुदा हो जाने, मेरे वीर अली असगर ने जुदा हो जाने। किवें गुजरी है रात करबला विच सैयदा दियां दी जड़ी इस बात तू वाकफ ने, सुबह दसवीं मुहर्रम दा दिन खानदान सादात दे शहजादियां ने इस करबला विच अपने नाने दे दीन तू कुर्बान हो जाने। आओ बरादरां ने जी ये करम रात गुजरी है, फजर दी नमाज हुई किवें हुई है शहजादा अली अकबर दे रिलेटेड बात है, लेकिन मैं थोड़ी जी अवॉइड करके मौला अब्बास दी बारगाह च खराज अकीदत पेश करके इजाजत चाहवांगा। आओ बरादरां ने जी ये करम फजर दी अजान हजरत शहजादा अली अकबर ने पढ़ी है, और केड़ी अजान पढ़ी है, ये टॉपिक एक अलग एक मौजू अलग है, अपने बेगानियां दी किताबां में हवाले जात ने। शहजादा अली अकबर ने करबला विच फजर दी अजान केड़ी पढ़ी है हजरत इमाम पाकर पाक इस बात दे रिवायत रावी ने। आओ बात बरादरां ने जी ये करम मेरे पाक नबी दे गुलाम हो बात लंबी हो जाएगी। हजरत शहजादा अली अकबर ने अजान पढ़ी है, इमाम बरहक ने नमाज पढ़ाई है, आप ईमान फरोज सवारी ते सवारों के यजीदियां दे लश्कर दे सामने जाके ईमान अफरोज खुतबा इरशाद फरमांदे ने। यजीदी लश्कर दे विच हो रहे हुर दे उत्ते कपकपी तारी हो जांदी है, हुर नूं एक पासे जंती फरिश्ते बुला रहे ने, एक पासे जहन्नम वाले फरिश्ते खिंच रहे ने, बिलाखर हुर ने फैसला जन्नत वाला कीता है, अपनी सवारी नूं अड्डी मारी है, और यजीदी लश्कर दियां सफां चीर दियां होयां मौला हुसैन दे कदमां विच आ गए ने। मौला हुसैन दी कदम बोसी करके आप दे कदमां तू कुर्बान होण दी इजाजत तलब करदे ने। इधर शहादतां दा सिलसिला शुरू हो गया वे, किते हजरत हुर शहीद हो रहे ने, किते हजरत अब्दुल्ला वहाब अल कलबी शहीद हो रहे ने, किते हबीब इब्ने मुज़ाहिर शहीद हो रहे ने, किते हजरत अबू बकर बिन अली शहीद हो रहे ने, किते हजरत उमर बिन अली शहीद हो रहे ने, किते हजरत उस्मान बिन अली शहीद हो रहे ने। शहादतां दा सिलसिला शुरू हो गया वे, किते हजरत औनो मुहम्मद शहीद हो रहे ने। आओ बरादरां ने जी ये तरह मेरे इमाम ने अपनी हमशीर सैयदा सानिया ज़हरा पाक दी जोड़ी पाक दियां जदों लाशा मुबारक चाके मेरे इमाम खैमियां वाल आए ने, अपनी हमशीर दी गोद विच नन्हियां नन्हियां लाशा रख दित्तियां ने। हजरत सानिया ज़हरा पाक सजदारे जो के अर्ज कर दियां ने, मौला
तेरा शुक्र है, जैनब की कुर्बानी नू कबूल कर ले आई। और बरादरा ने जीए तरम जेड़े अल्लाह की बारगाह में शुकराने के तौर पर नफल पढ़ रहे ने, शुकराने के तौर पर सजदा रेज हो रहे ने, अपने बच्चियां की शहादत के उत्ते वो मजबूर तो नहीं, वो जमाने के बादशाह ने, वो जमाने के सखी ने। अज के बाप है जरा अपने पुत्र नू खुद उस मैदान वाल टोरेगा, जरा जान जिधर पुत्र जा रहा वे, इन्हें वापस मुड़ के नहीं आना, इन्हें उधर कुर्बान हो जाना वे, इन्हें उधर शहीद या फौत हो जाने। अज कौन बाप है जरा अपने पुत्र नू उस मैदान में भेजेगा जिथे लड़ाई तो कतलो गारत हो रही है। नाना बेलियो गौर करो, आओ बरादरा ने जीए तरम, मेरा इमाम इस बात तू वाकफ भी ये गल जानदा है, जिस करबला वे अली अकबर जा रहा वे, इन्हें वापस नहीं आना। आओ ग्रामी कदर अहबाब, इतनी गल जानने के बावजूद मेरा इमाम अगर अली अकबर नू फिर करबला वल टोर दाए, फिर मजबूर होके नहीं टोर रहा, नाने दे दीन ते मसरूर होके अपने पुत्र नू नाने दे दीन वास्ते कुर्बान कर रहा वे। आयो ग्रामी कदर अहबाब, फिर मौला हुसैन मजबूर ते गरीब नहीं, जमाने का बादशाह ते सखी जरा अपना पुत्र नाने दे दीन तू कुर्बान कर रहा वे। आओ बरादरा ने जीए तराम, मैनू हर बंदे की फिक्र का नहीं पता, जिहड़ी गल मैं पढ़ी है ते जरा मेरी फिक्र इजाजत देती है। मैं जदों भी हुसैन बादशाह नू वेखिया वे, हुसैन नू सखी पाया है, करबला का सड़िया होया मैदान, अगर खानदाने अहले बैत तू पानी तलब करदा है, मेरे इमाम पानी की जगह ते शहजादियां दा खून दे के करबला नू शराब करदे ने। ओ करबला जिथे अगर जमीन दे उत्ते पानी दा कतरा डिग गया, डिगदिया नाल जमीन खुश्क हो जाती सी, अज ओ करबला आबाद होया बैठा, क्यों आबाद होया वे, खानदाने सदा दे चश्मो चराग लेटे ने। ओ करबला आबाद हो गए, सखी बादशाह करबला वे चाहे ने, करबला नू आबाद कर दिता है। बात लंबी हो जाएगी, हजरत दियोनो मुहम्मद दे जस्ते अतहर लेके मेरे इमाम जदों खैमिया वाल आए ने, हजरत गेरामी कदर, हजरत सैयदा सकीना पाक, तीन दिन गुजर गए ने, खाना ने सदा ते पानी बंद, यजीदी कुत्ते ते पानी पी रहे ने, यजीदी घोड़े ते पानी पी रहे ने, यजीदी बिल्ले ते पानी पी रहे ने, लेकिन खानदान अहले बैत शहजादे और शहजादियाँ पानी तू महरूम बैठिया ने, पानी खानदान सदात कोल पानी कोई नहीं। हाँ बरादरा ने जीए तरम, पानी है भी कोई ना, पानी बंद भी है, लेकिन इसके बावजूद मौला हुसैन ने पानी की ख्वाहिश नहीं की थी। हाँ अगर पानी की ख्वाहिश करते तो उस करबला दे रेगिस्तान के अंदर जन्नत भी चूहा बे कौसर चल के आ जाता। पानी का मकसद नहीं सी, मकसद सिर्फ नाना है मुस्तफा दे दीन की आवियारी सी, नाना है मुस्तफा दा दीन जिंदा करना सी। मेरे इमामे आली मुकाम इमामे हुसैन दे गुलाम, नन्नी जी सकीना है मेरे इमाम दी लखती जिगर है, आपने हजरत चाचू अब्बास नु बुलाया है, फरमानिया ने चाचू अब्बास जी बेटी सकीना जी बादशाहजादी हुक्म करो, मेरे इमाम दी बेटी अर्ज कर दी है। आ फरमानिया ने चाचू अबे को सकीना दा खुश्क हलक हो गया है, चाचू जान जाओ पानी लेके आओ, खानदान सदात नु प्यास लगी हुई है, सैयदा सकीना दा खुश्क हलक हो गया वे, जबान खुश्क हो गई, शहजादा अली असगर दा खुश्क हलक हो गया वे। आओ बरादरा ने जीए तरम, हजरत मौला अब्बास दे कोलू बादशाहजादियां दा ए माहौल नहीं वेखिया गया, आपने फौरन मशकीदा उठाया है, सवारी दी लगाम पकड़ी है, उधरों मेरे इमाम आ गए। आ फरमान ने ऐ अब्बास किधर जान दी तैयारी कर रहे हैं वे, बादशाह हुसैन नहर फरात तू पानी लैन जा रहा वा, खानदान सदा दियाँ शहजादियाँ दी प्यास वेखी नहीं जा रही, नन्नी सकीना दा खुश्क हलक हो गया वे, हजरत शहजादा अली असगर दी जबान खुश्क हो गई है। देखो ना 18 जेठ दी गर्मी है, तौर गरम लोह दे थपेड़े शहजादियाँ दे चेहरे खुलवा रहे ने, ऐ बादशाह हुसैन नहर फरात तू पानी लैन चलिया वा। मेरे इमाम फरमांदे ने ऐ अब्बास मैं तेनू इजाजत नहीं देवांगा, अगर तू चला जाएगा हुसैन पाक दी जमात दा अलमबरदार कौन होएगा। मेरे इमामे आली मुकाम इमामे हुसैन दे गुलाम मौला अब्बास अर्ज करदे ने, ऐ बादशाह हुसैन अगर नहीं जावांगा
तो अगर महशर दे मैदान च मौला अली पाक ने पूछ लिया ऐ अब्बास तू मौजूद भी सही मेरी शहजादी सकीना पाक दा खुश कलक हो गया सी तू पानी लिया के नहीं दिता बादशाह अपने बाबे अली नु की जवाब देवांगा मेरे इमाम फरमांदे ने ऐ अब्बास शेर खुदा दा पुत्र हैदर करार दा पुत्र बुज़दिल नहीं आ मैं बसद खुशी इजाजत दे नामा जा चला जा पर एक शर्त है वे आओ फरमांदे ने बादशाह हुक्म करो मौला हुसैन फरमांदे ने जाने आ पानी नहीं लेना ए तमाम हुज्जत करनी है होना कोलो पानी तलब करना वे अगर किसे यजीद नु नहीं ते ना से किसे अमर साद नु नहीं ते ना से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद नु नहीं ते ना से शिमर नु नहीं ते ना से खौली नु नहीं ते ना से किसे औलाद वाले नु तरस आ जाएगा किसे औलाद वाले नु रहम आ जाएगा मेरे इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन दे गुलाम मौला अब्बास आपने मशकीला पकड़िया है तलवार उठाई है आप सवारी ते सवार होए ने सैयदा सकीना नाल वादा करके जांदे ने ऐ मेरी बेटी सकीना ऐ बादशाहदादी सैयदा सकीना तेरा चाचू जा रिया वे हुणे पानी लेके आंदा है मेरे इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन दे खैमियां विचू जदों मौला अब्बास पानी लैण वास्ते निकले ने खानदान ने सादात दी मस्तूरात दियां उम्मीदां जिहड़ियां ने जा गईयां ने खानदान ने सादात दे शहजादियां दियां उम्मीदां जा गईयां ने अब्बास जा रिहा है इतना अदब करदा है खानदान सादात दा कि सैयदा ज़ैनब नू एक वारी इसने अपनी हमशीर आखिया वे कि तुसी मेरी बाजी हो आओ ग्रामी कदर अहबाब कि आप दी वालदा नाम दा नाम भी फातिमा वे लेकिन लकब उम्मल बनी ने आप दी अम्मी जान दा नाम भी फातिमा वे लेकिन जदों आप दा नाम फातिमा पुकारिया जांदा सी मौला अली नू सैयदा फातिमा तू ज़हरा दी याद तड़पांदी सी हजरत बीबी फातिमा उम्मल बनी ने हाथ बन के अर्ज कीती है या अली मैनू अज तू बाद तुसी फातिमा नहीं पुकारना मैनू अज तू बाद तुसी उम्मल बनीन पुकारिया जे चौके आप गल समझ गईयां सन के बादशाहदादी सैयदा फातिमा तू ज़हरा दा जदों नामे नामी आंदा वे मेरे बादशाह अली नू तकलीफ होंदी है हजरत सैयदा फातिमा तू ज़हरा दी याद आंदी है आपने अपने नाम दी को दा तरीका ते अंदाज ही बदल दिता है हजरत उम्मल बनीन नाम रखिया वे अर्ज करदियां ने मेरे बादशाह अली मैनू तुसी उम्मल बनीन पुकारना वे तो उम्मल बनीन दे बतनिया तहर दे विच्चों मौला अब्बास पैदा होए ने ते मां अपने पुत्र नू समझा दी मौला अब्बास एक बारी सैयदादी बीबी ज़ैनब पाक नू बाजी करके पुकार दावे ते हजरत उम्मल बनीन फरमा दिया ने ऐ अब्बास अज ये जसारत कीती हजरत सानिये ज़हरा नू अपनी बाजी करके पुकारिया वे अम्मी जान दसो ना ओ भी अली दीती है मैं भी अली दा लाल हूं अगर मेरी बाजी नहीं ती होर की है हजरत उम्मल बनीन फरमा दिया ने कुछ आ गल है ओ भी अली दी बेटी है तू भी अली दा लाल है लेकिन ओदी मां जन्नत दियां औरतां दी सरदार है ओदी मां सैयदा ज़हरा है ओदी मां नबियां दी सुल्तान दी धी है तेरी मां सैयदा फातिमा दे दर दी कनीज़ है तेरी मां फातिमा दे दर दी खादिमा है तेरी मां बीबी फातिमा दे दर दी नौकरानी है बेटा सैयदा ज़ैनब नू अज तू बाद बाजी करके नहीं पुकारना अम्मी जान की कहना वे आ फरमानियां ने बेटा सैयदा सानी ज़हरा नू बाजी करके नहीं पुकारना बादशाहदादी करके पुकारना है अम्मी जी तमील होवेगी मौला हुसैन नू एक बारी मौला अब्बास ने भाई कह के पुकारिया वे मां ने ऐसा अदब सिखाया वे आ फरमांदे ने ना बेटा हुसैन वक्त दा बादशाह है हुसैन बादशाह वे तू हुसैन दे दर दा नौकर है तू हुसैन दा खादम है तू हुसैन दा गुलाम है अम्मी जान फिर की कह के पुकारा आ फरमांदे ने तू बादशाह हुसैन नू बादशाह करके पुकार रहे पात अगे जाके आवेगी हजरत गिरामी कदर अहबाब इतना बा वफा मौला अब्बास जदों आप खैमे दे विचू मशकीला पकड़ के टुरे ने अपने बादशाह कोलो इजाजत लैके खैमे दे विचू यजीदी लश्कर के सामने गए ने तमाम हुज्जत वास्ते मेरे मौला अब्बास फरमा दे ने ओ यजीदी हो मेरा
जरा ख्याल करो मैं तुहाडे सामने कौन आया हूं। मैं अब्बास इब्ने अली आया हूं और तुहाडे कोल किस वास्ते आया हूं। सिर्फ इस वास्ते आया हूं खानदान अहले बैत दीयां शहजादियां प्यास दी वजह दे नाल तड़प रहीयां ने तुहाडे कोल पानी लैण आया हूं। ऐ अब्बास यज़ीदियो अब्बास नूं पानी दे के जन्नत दे विच वाबे कौसर दे सौदे कर लो। बरादरां ने जी तरह हजरत अब्बास ने बड़ा ईमान फरोज खुतबा इरशाद फरमाया बे फरमान ने यज़ीदी हो सैयदना शहजादा यानी असगर नूं पानी दे चंद कतरे दे के उस नूं शराब करके तू चकरा के जमीन नूं शराब बख्शिया बे। उधर मौला हुसैन मौला अब्बास नूं उठान आए ने जदों उठान आए ने मेरे इमाम ने मौला अब्बास नूं गोद च उठाया है नाले फरमाया अब्बास दस तेरी कोई आरज़ू होवे मैं आरज़ू पूरी करा। मौला अब्बास अर्ज करदे ने बादशाह हुसैन इक आरज़ू है सैयदा सकीना पाक और सैयदा सानिया ज़हरा पाक नू मेरी तरफ माजरत कर देना ते कहना अब्बास माफी मंगदा सी वादा करके गया सा पानी लेके आवांगा लेकिन वक्त ने वफा नहीं की। ऐ शहजादियो पानी नहीं लिया सकिया मेरे इमाम फरमांदे ने अब्बास एक बार अपनी जबान चू अपने वीर नू वीर कह दे तेरा हुसैन वीर तेरी जबान विचू पाई दे लफज सुनन वास्ते बड़ा बेतावे। मौला अब्बास ने अब मौला अब्बास ने जबान हाल दे नाल थोड़ी जी आहिस्ता आवाज दे नाल बोल के आंदे ने बादशाह हुसैन अगर अज अब्बास दे बाजू आंदे हाथ बन के अर्ज करदा मेरे बादशाह मेरी अम्मी उम्मल बनीन ने मैनू गुट्टी दिती है बेटा तू नौकर है हुसैन तेरा बादशाह है। बादशाह मेरी अम्मी ने मैनू एक दरस ते सबक दिता है मैं तुहाडा भाई कहण दे काबिल नहीं मैं ते खानदान सादात दा नौकर बन के आया। बरादरां ने जी तरह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दौरान गुफ्तगू अदबन एहतरामन अगर कोई खता कोताही हुई आखिर ते मैं एक छोटा जहा पैगाम देना चाहना जो कि अज की इस तकरीर दा लुबे लुबाबे दस मुहर्रम उल हराम शरीफ दा दिन ने। बरादरां ने जी तरह मौला हुसैन बादशाह दे वजूद हर दे उत्ते 72 तीरां तलवारां ते नेज़ियां दे जख्म ने सामने 71 जस्दे अतहर जड़े ने बेगोरो कफन पै हुए ने ते मौला हुसैन दा वजूद अतहर जख्मां दे नाल भी चूर चूर है ते मौला हुसैन जदों घोड़े दी जीन तो जमीन नूं शरफ बख्शे शिमर आप दी छाती ते सवार होया ते मौला हुसैन ने फरमाया शिमर दस टाइम किए ते कहंदा हुसैन टाइम ते जुमे दा। मौला हुसैन फरमान ने बाद वक्ता फिर पीछे हो जा अपने नाने नाल कीता होया वादा पूरा करन दे ते साडे बादशाह हुसैन ने फिर किवें वादा पूरा कीता है वजूद अतहर जख्मां दे नाल चूरे इस दे बावजूद जख्मी वजूद दे नाल सर सजदे विच रख के अपने नाने दी उम्मत नूं पैगाम दिता है ऐ मेरे नाने दे कलमा पढ़न वालियो सजदा इस हाल च भी माफ नहीं जिस हाल विच अज जाके हुसैन सजदा करदा पिया वे। 71 मेरे हुसैन दे खानदान दियां और गुलामां दियां करबला दे रेगिस्तान विच नहीं अपना वजूद अतहर भी जख्मां नाल चूर चूरे फिर भी मौला हुसैन सजदा करके नमाज और कुरान बचा रहे ने। बरादरां ने जी तरह नबियां दे सुल्तान दी बारगाह दे विच एक सहाबी अर्ज करदा सुनिया मोमन और काफर दे दरमियान फर्क करन वाली चीज की है। मेरे नबी फरमांदे ने मोमन और काफिर दे दरमियान फर्क करन वाली चीज नमाज है। मोमन नमाज पढ़दा है काफिर नमाज नहीं पढ़दा। हुण जिहड़ा नमाज नहीं पढ़दा उहनूं मैं काफिर नहीं आख सकदा क्योंकि नबियां दे सुल्तान दी शरीयत दा एक कानून है अगर मुसलमान मुसलमान नूं काफिर आखे ते कहण वाला खुद दारे इस्लाम तो खारिज हो जांदा है जिन्नू किहा जा रिहा है वह दारे इस्लाम तो नहीं खारिज हुंदा इह कानून शरीयत है। बरादरां ने मोहतरम लेकिन मेरे नबी ने फरमाया मोमिन और काफिर दे दरमियान फर्क करन वाली चीज नमाज है। मोमन नमाज पढ़ता है काफिर नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला इस 10 मुहर्रम उल हराम शरीफ दी इस रूहानी प्रोग्राम का सदका सानू सबनू पंजगाना नमाज पढ़ने दी और कुरान करीम दी तिलावत करने दी तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अदबन एहतरामन जेरन जबरन शदन मदन सहमन कसदन अगर कोई खता कोताही हुई हुजूर दा सदका हुजूर दी आल दा सदका हुजूर दे सहाबा इकबार दा सदका तमाम कोताहियां दी माफ़ी अता फरमा के अल्लाह हाजरी कबूल फरमाए।
ماں توفیق اللہ سبحان اللہ سبحان یہ تھے جناب علامہ ناصر قیوم حیات نقشبندی صاحب گفتگو سے نواز رہے تھے الحمدللہ قبلہ ڈاک صاحب بھی تشریف فرما ہے علامہ یامین مدنی صاحب آج تشریف فرما ہوئے ہم سب کے محب و مہربان عاشق رسول عاشق مدینہ چودھری طاہر محمود ہندلی صاحب الحمدللہ آج تشریف فرما ہوئے میں آپ کو بھی سلامی میں بلا تاخیر ملتمس ہو رہا ہوں خطیب اہل سنت